अरे तुम इतनी जल्दी में कहाँ हो, मैं पहले करना चाहता हूँ। वाओ, ओरियो कुकीज मेरे शेप में फिट होते हैं। चलो फिलिंग के साथ शुरू करते हैं। कितना स्वादिष्ट है, क्या हम दूध के साथ कोशिश करें? यह और भी स्वादिष्ट होना चाहिए। मैं गलत नहीं था, ये बहुत अच्छा है। वो कितना लकी है। ओ, लड़कियों देखो मेरे पास ओरियो चश्मे हैं। मुझे लगता है सभी चश्मे खाने योग्य होते हैं। ये बहुत सुविधाजनक है, मुझे और चाहिए। क्या सभी ओरियोस कहाँ गए? एलेक्स क्या तुम शेयर कर सकते हो? धन्यवाद ब्रिटनी मेरे ओरियोस को पकड़ने के लिए, लेकिन तुम्हें अपने ढक्कन को खोलने की जरूरत है। हाँ, यह क्या है? मेरे पास लाल मिर्च, क्या हम स्विच कर सकते हैं? क्या नहीं, मेरे पास निश्चित रूप से कुछ स्वादिष्ट है। यह स्वादिष्ट नहीं, ओह भयानक बदबू आ रही है। मछली, अरे नहीं, मछली का सैंडविच, मैं इसे नहीं खाऊंगी। हाँ तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यहाँ आओ मछली, मैं तुम्हें खाऊंगी। इसका स्वाद इतना अजीब है। छी गेली, तुम इसे कैसे खा रही हो? मैं अंत तक खत्म कर दूंगी। बाय मछली। अब ब्रिटनी। हाँ केली, मैं तैयार हूँ। यह सिर्फ एक मिर्च है, बस एक लाल मिर्च। ओह यह बहुत अच्छा है। दोस्तों यह तीखा नहीं है और मैं बहुत डर गई थी। मैं बिल्कुल शांति से खा सकती हूँ। ओह अरे नहीं, यह तीखा है, यह निश्चित रूप से तीखा है। मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। एलेक्स मेरी मदद करो। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, दूध। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? हाँ अब यह ठीक है। दूध पूरी तरह से तीखेपन के साथ मुकाबला करती है, इसके बारे में कौन जानता होगा। केली क्या कर रही है? ब्रिटनी मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं फायरमैन केली हूँ। नहीं केली, कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम क्या कह रही हो? मैं पानी की वजह से नहीं सुन पा रही हूँ, इसे बंद करो। ओह नहीं, उप्स। उप्स, बस इतना ही? अरे नहीं, मेरे ओरियोस वे भी भींग गए हैं। मैं गीले ओरियोस को कैसे खाऊंगा? किस तरह का ट्रायंगल खाना मेरा इंतजार कर रहा है? गाजर। वाव, और मेरे पास स्कीटल्स है। वाव, और मेरे पास स्क्वायर हबा बबा कैंडीज है। ये प्यारे लग रहे हैं, मैं इसे खाकर देखती हूँ। वाह, मुझे लगता है वे सभी मेरे लिए काफी होंगे। अब यह एक ट्रिक होगी, कनेक्ट करने के गुण होते हैं वर्ग में। देखो ये खाने लायक रूबीज क्यूब है। चलो अब खाना शुरू करते। क्या हम भी थोड़ा ले सकते हैं? क्या तुम भी ये चाहते हो? नहीं, ये सिर्फ मेरी कैंडी है, केवल मैं यहाँ चौकोर खाना खा सकती हूँ। क्या तुम बबल गम बॉल देखना चाहते हो? यह काम नहीं किया। अरे मुझ पर हंसो मत, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगी। ओह केली, मुझे लगता है तुमने कुछ खो दिया है। यहाँ तुम्हारा गम है, क्या तुम बबल बनाओगी? मैं सच्ची में अवार्ड नहीं चाहती। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, एलेक्स क्या तुम जारी रख सकते हो? ठीक है, चलो अब इसे आजमाए। स्वादिष्ट। ऐसा लगता है। आइडिया, अब मैं तुम्हें जल्दी से स्कीटल्स खाने का सबसे अलग तरीका दिखाऊंगा। 1 2 3 4 और बस। और उन सभी को कैसे चबाना है? अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी एलेक्स। देखो मेरे पास क्या है, एक पंख। नहीं ब्रिटनी, नहीं एलेक्स, अब मैं तुम्हारी स्कीटल से ढकी हुई हूँ। मुझे एक चक्कर देखना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा हुआ। ये मेरे स्कीटल्स है, केवल मैं खा सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे स्कीटल्स मुझ पर है, तो वो पहले से मेरे हो गए। अरे ब्रिटनी अब चलो तुम। गाजर, लेकिन ये एक साधारण गाजर है, उससे कुछ नहीं होगा। तुम क्यों हंस रहे हो? गाजर स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं, मुझे सच्ची में पसंद आया। हाँ अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ब्रिटनी क्या हुआ? हेलो एवरीवन, मैं ब्रिटनी खरगोश हूँ, गाजर कहाँ है? क्या तुम बुद्धू बन गए? ये प्रैंक था ब्रिटनी, हमने सोचा तुम हमेशा के लिए खरगोश बन गई हो। चलो जल्दी पता करें कि हमारे पास क्या है। मैं शुरू करूँगी। वाओ इंद्रधनुष केक,
मैं इन लॉलीपॉप से शुरू करूंगी। अरे ब्रिटनी, गोलाकार मेरा है, तुम्हारा? बेशक मुझे याद है, मैं तुम्हें सभी लॉलीपॉप दूंगी। एक लॉलीपॉप, दो, तीन, येलो। क्या तुम्हारे पास काफी है? ब्रिटनी तुम क्यों, मैं लॉलीपॉप नहीं खाऊंगा जब तुम उन्हें चाट रही हो। छी, ये सही है, मत खाओ। और अब मैं अपना केक खाने जा रही हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। ओ ब्रिटनी, तुम कैसे खा रही हो? तुम सिर्फ मेरे स्वादिष्ट केक से जल रहे हो। तुम किस पर हंस रहे हो? हाँ, थोड़ा गंदा हो गया। एलेक्स, चलो अब तुम्हारी बारी है, ढक्कन खोलो। पिज्जा, कितना मस्त, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं 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 एलेक्स, त्रिकोणीय खाना मेरा है, एक स्वादिष्ट पिज्जा का आनंद लेने की मेरी बारी है। ब्रिटनी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अगर मैं अपना त्रिकोणीय पिज्जा लेती हूँ तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, है ना? नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ, यह गोल है। अरे, तुम्हारे पिज्जा ने मेरे बाल गंदे कर दिए। नहीं, ये मेरा पिज्जा है, मैं शेयर नहीं करूँगा। ओह हाँ, पिज्जा का एक स्वादिष्ट टुकड़ा, तुमने मेरे बालों को खराब कर दिया है। केली, पिज्जा का इससे क्या लेना देना है? ओह, मुझे क्या मिला है? वाओ, नूडल्स। मैं भी तुम्हारा खाना बर्बाद कर दूंगा, यह पिज्जा का बदला है। ओह धन्यवाद एलेक्स, लेकिन फिर भी मैं इसे खाऊंगी। ओ नहीं, मेरे पास अब ऐसे नूडल्स भी नहीं है, हालांकि अभी भी एक टुकड़ा बचा है। स्वादिष्ट। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? ठीक है, मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह नट्स के साथ चॉकलेट है और यह मेरे आकार में फिट है, क्या यह सही नहीं है? अब मैं इसे खाऊंगी। कूल, मुझे ऐसा लगता है मैं वुल्वरिन की तरह चॉकलेट बार खाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे चॉकलेट पंजे से डर रहे हो? मैंने बहुत दिनों से चॉकलेट नहीं खाई है, सबसे अच्छी कैंडी। ओ नहीं एलेक्स, मत पूछो, ये चॉकलेट सिर्फ मेरे लिए है, मुझे माफ करना। फिर मैं अगली हूँ। ओ नहीं, बदबूदार चीज, कितना बुरा है। क्या तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो? मैं ये नहीं खाऊंगी। ब्रिटनी, तुम्हें यह करना होगा, ये तुम्हारा डिश है। लेकिन ये बहुत बदबूदार है, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ओ, इसे मुझसे दूर हटाओ। अरे नहीं नहीं ब्रिटनी, तुम इसे पूरी तरह से खाओगी, यह हमारी चुनौती है। चलो, यह सिर्फ चीज है। ओह, मैं नहीं कर सकती। अरे नहीं, क्या तुम चाहती हो कि मैं बदबूदार चीज खाऊं? फिर परिणाम भुगतो। ओह, कितनी बदबू आ रही है। क्या तुम ठीक हो? मुझे एक क्लॉथ पिन चाहिए। अच्छा आइडिया केली। ओह, मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मैं ठीक हूँ, अब बदबू नहीं आ रही है, इसलिए हम जारी रखते हैं। वाओ, मुझे चिप्स मिले हैं। वाओ एलेक्स, इसे मेरे साथ शेयर करो, मैं सच्ची में ये चाहती हूँ। मैं शेयर नहीं करना चाहती। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें तीखे चिप्स कितने अच्छे लगेंगे? वाह, एक विशाल गमी वॉर्म है। बेवकूफ बन गया। अरे वहाँ कोई वॉर्म नहीं था क्या? अरे अरे नहीं, ये तीखे है। ये अच्छी बात है कि मैंने इसे खाया नहीं, और मैं इसे खाऊंगी, मैं तीखी चीजों को पसंद करती हूँ। क्या तुम्हें तीखा पसंद है? तुमने मुझे धोखा दिया है, ये साधारण चिप्स है, जिसका मतलब है मैं उन्हें खुद खाऊंगा, और मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा, पूछना भी मत। पैकेट से खाना मुश्किल है, और क्या होगा अगर? हाँ, यह बेहतर है, किसी भी टावर को किसी दिन गिरना होता है। नहीं केली, तुमने क्या किया है? मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक ऐसा निर्माण करूंगा जिसे केली निश्चित रूप से नहीं तोड़ सकती। तुम्हें यह कैसा लगा? चिप्स का एक गोल। ओह, मैं थक गया हूँ। अरे नहीं, चिप्स खुद न केवल गोल है बल्कि एक साथ एक सर्कल भी बनाता है, इसलिए वे केवल मेरे हैं। सर्कल एक सुपर कूल फिगर है, मैं अब हमेशा गोल खाना खाऊंगा। क्या तुम पहले से खा चुके हो इतनी जल्दी? ओह, मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा बचा, माफ करना। बस एक ट्विक्स, बहुत कम है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं से तो बेहतर है। चलो इसे खा लेती हूँ, लगता है वो बहुत भूखी है। अरे सावधान, तुमने मुझे सीधे माथे पर मारा।
और अगर तुम मुझे और तंग करती हो तो मैं इसे फिर से करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है, देखो। मुझे डर लग रहा है, अब आरा दूर रख दो। चिंता मत करो, मुझे ये ट्विक्स को काटने के लिए जरूरत है। सावधान, क्रम्स हर जगह उड़ रहे हैं। बस मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ, अब बस आखिरी टुकड़ा काटना बचा है। अब चॉकलेट खाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। तुमने हमें पूरा गंदा कर दिया है, देखो। ओ, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ, मेरा मतलब यह नहीं था। देखो मैंने कितना अच्छा किया है, ज्यादा चॉकलेट लग रहा है, दो टुकड़े थे और अब 10 है, बहुत अच्छा। ओ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ट्विक्स खत्म हो। यह तो होना ही था, लेकिन हर चीज के अपने फायदे हैं। अब मैं खुद को तरोताजा कर सकती हूँ, इतने सारे रैपर से मुझे तुरंत हटाना होगा। वाह, तुमने अच्छा किया, धन्यवाद। अब मैं एक ही बार में सब कुछ खा सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। कितना स्वादिष्ट है। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे बार्स हैं। लेकिन तुम्हें बेबी बोतल की जरूरत क्यों है? आह, मेरा सिर। तुम मुझ पर चीजें क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मुझे चॉकलेट मिल्क बनाना था। लगता है यह काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि ट्विक्स इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मैं भी पीना चाहती हूँ कभी और। अभी मेरी बारी है। मुझे पहले से ही पता है कि इतनी चॉकलेट का क्या करना है। सबसे पहले सभी रैपरों को हटा देती हूँ। वाह, तुमने इसे किस तरह से किया, ये बहुत अच्छा था। अब टावर का निर्माण शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पैचुला और मीठा सीमेंट चाहिए, यानी न्यूटेला। वाह, बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है कि न्यूटेला ट्विक्स के साथ सही रहेगा। देखो यह मेरी मीठी ईंटों को कितनी मजबूती से एक साथ रखता है। बहुत कम बचा है, ऊपर एक आखिरी टच। अरे वाह, कितनी ऊंची टावर है, हमें इसे खाना चाहिए। अरे मेरा टावर हिल क्यों रहा है, तुम क्या कर रही हो, ये गिरने वाला है। तुरंत रुको, मैंने कहा रुको। अरे नहीं, ओ, ऐसा लगता है मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। माफ करना, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। ये अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया था और चोट नहीं लगी। वाह, गमी आंखें। मैं अपने हिस्से से खुश नहीं हूँ, केवल एक आंख है। किसी को फिर से सबसे छोटा हिस्सा मिल गया। मुझ पर हंसना बंद करो, यह फनी कुछ भी नहीं है। मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें मेरे चेहरे पर मारना नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं तुमसे बदला लूंगी। आओ देखिए कि क्या तुम्हें ये प्रैंक पसंद आएगा या नहीं। मुझे लगता है थोड़ा डरावना लग रहा है। अरे मेरी मदद करो। क्या हुआ, क्या ये तुम्हारी आंख है? कितना बुरा, मैं इसे नहीं देख सकती। क्या हो रहा है, तुमने मुझ पर अपनी आंख क्यों फेंकी? ओह, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। मदद करो, मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। खाने का समय हो गया है, ये चॉकलेट बॉल्स बहुत स्वादिष्ट है। ओह, आंख। अच्छी बात है कि सिर्फ एक प्रैंक था, मैं बहुत डर गई थी। वैसे आंखें स्वादिष्ट है, तुम निश्चित रूप से इसे पसंद करोगी। बहुत बुरा कि मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर अब मेरी बारी है, आशा है कि मुझे भी ये पसंद आएगा। अरे हाँ, ये स्वादिष्ट है, मुझे गमी पसंद है। तुम हाथ कहाँ लगा रही हो, ये मेरा हिस्सा है, सभी 100 आंखें मेरी हैं। वो कितने कोमल और मीठे हैं। बहुत अच्छा, सब कुछ जो मुझे पसंद है, मैं रुकना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे भी दे सकती हो प्लीज, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है। हाँ प्लीज, हमें केवल एक आंख दे दो। माफ करना, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बहुत देर हो गई। ओ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ओह, यह क्या है, मेरे चेहरे के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोई ओवरटेक कर रहा है। सिर्फ एक चिप, यहाँ देखो, क्या तुमने कभी चिप्स के 100 पैक देखे हैं? मैं देख रही हूँ कि कोई बदकिस्मत है, वो पक्का है, मैं उस चिप को उठा भी नहीं पा रही। वो क्या करने वाली है? मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए।
इसकी मदद से मैं आखिरकार खा पाऊंगी। हुरे, मैं चिप्स लेने में कामयाब रही। मैं जितना हो सके खुशी को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। लगता है उसका हो गया इतनी जल्दी। ये और भी अच्छी बात है। अब मेरी बारी। कितना कसकर लगा है ये ढक्कन, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ओह चलो खुल जाओ। लगता है कोई भूखा रहने वाला है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कैसे भी ये कैन खोल लूंगी। देखो मैंने कर लिया। तुमने इसे फेंका क्यों? तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। वाह मस्त, ये सच में काफी कूल था। बिल्कुल, मैं तो चिप्स खाने में माहिर हूँ। ओ मेरा सिर, ये सब कुछ ऐसा घूम क्यों रहा है? शायद उसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये उसका स्टाइल है। ठीक है, जब तक मैं अपने चिप्स खाती हूँ उसे थोड़ा आराम करने दो। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, याद है ना? मेरे साथ शेयर करो। मेरा मतलब चिप्स से था, पैकेजिंग से नहीं। माफ करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि अच्छा समय नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। अरे ध्यान से, तुमने मुझे लगभग फिर से मारा। उफ, ऐसे काम नहीं चल सकता। ओह कितना दर्द हो रहा है। आज तो मैं सच में बहुत लकी हूँ। इतना खुश मत हो। ये सही किया, वो इसी के लायक थी। ब्रॉकली, क्या ये कोई मजाक है? और मेरे पास ब्रॉकली के बजाय किसी तरह की बीज है, और मैं इसके साथ क्या करूं? मुझे पता नहीं। ठीक है, ऐसे ही खाती हूँ। ओह मैं ये नहीं चबा सकती। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है हमें इसे मिट्टी में लगाना चाहिए। अरे हमें, हम पर इसको फेंकना बंद करो, बस करो। मुझे गहरा गड्ढा खोदना होगा वरना पौधा ठीक से नहीं उगेगा। लेकिन तुम्हारी वजह से हम सब मिट्टी में ढक गए हैं। अब बीज डालती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसे कुछ होगा? हम जल्दी पता लगा लेंगे। लेकिन अभी तुम अपनी ब्रोकली खाओ। ओह इसकी महक भयानक है। मुझे सब्जियों से नफरत है, वे इतने बेकार होते हैं। अच्छी बात है कि मुझे सबसे छोटा हिस्सा मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं इससे निपट सकती हूँ। मुझे तुरंत कोला पीना होगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा। चलो मुझे ये दे दो, मुझे अपने पौधे को पानी देना है, इसे नमी की जरूरत है। तो क्या इससे मदद मिली? हाँ ये बढ़ने लगा है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। वाह फिर शुरू हो जाओ, अपने खाने का मजा लो। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। काश मैंने ये नहीं उगाया होता। मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है, मुझे ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखने में भी गंदा लग रहा है। तुम पूरी मिट्टी में ढक गई हो। लेकिन मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है मुझे पता है ये सब कैसे खाना है। देखो वहाँ एक चिड़िया है। मेरा विश्वास कर लिया बेवकूफों ने। इनको उल्लू बनाना काफी आसान है। मैं दिखावा करूंगी कि मैंने सब कुछ खा लिया, लेकिन असल में मैं इसे फेंक दूंगी। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? ऐसे नहीं चलेगा, मैं ये सब ले लूंगी और वापस दे दूंगी। ओ मेरा लगभग पूरा हो गया, खाने के लिए सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। लेकिन बाकी सब के बारे में क्या? मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बचाया है, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ओह लगता है कि मेरी योजना फेल हो गई, उन्हें पता चल गया। डिस्ट्रैक्ट मत हो, खाओ। स्कीटल्स, सुपर। सभी को बड़ा हिस्सा नहीं मिला है। कितने अफसोस की बात है, मेरे पास केवल एक कैंडी है। लूजर, हंस लो हंस लो, मैं जानती हूँ कि क्या करना है। तुम्हें फोन की जरूरत क्यों है? तुम जल्दी समझ जाओगी, मैं अपनी कैंडी को थोड़ा बड़ा करूंगी। वाह मुझे नहीं पता था कि ऐसा कर सकते हैं। अभी भी केवल एक कैंडी है, लेकिन कितनी बड़ी है। बहुत अच्छा, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह मैं इस कैंडी को ना नहीं कहूंगी। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी बारी है। चलो मेरे पास भी बहुत अच्छी योजना है। मैं अपने मुंह से कैंडी पकड़ लूंगी। एकदम मिस कर दिया, कोई बात नहीं। यह तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो और भी बेहतर आइडिया है। रुक जाओ, ये मेरी कैंडी है, मैं ये खुद खाऊंगी। किस रंग से शुरू करूं?
इतने सारे हैं, इससे या ये अच्छा होगा। हाँ मुझे पता है कि क्या करना है। या क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ करने के लिए तैयार है। ये कमाल की लॉटरी है जो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अंदर एक नारंगी कैंडी है, इसका क्या मतलब है? केवल एक चीज, अब मुझे पता है कि क्या चुनना है। मुझे नारंगी कैंडी चाहिए। अच्छा उसका स्वाद कैसा है, क्या तुम्हें ये पसंद है? बहुत। अब मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मैं अपनी कैंडी किस ऑर्डर में खाऊं। तो शायद मैं तुम्हारी लॉटरी खेल सकती हूँ। वाह देखो यहाँ क्या है, वाह तुमने एक लकी बॉल निकाला। मैंने एक बड़े कैंडी का सपना देखा और आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। एकदम बढ़िया, देखो अंदर और भी कैंडी है। चलो हम दोस्त हैं तो इसे शेयर करें। Okay. ये एक बढ़िया आइडिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन है ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वादिष्ट जाएगा। वाह पॉपिट्स का कितना बड़ा ढेर है। अजीब है लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टूट गया है, मैं बटन नहीं दबा सकती। अब तुम क्या करने वाली हो? फिर भी उसे सूंघना बंद करो, तुम वह नहीं खा सकती। तुम गलत हो, मेरा पॉपिट गमी से बना है और यह स्वादिष्ट है। वाह क्या किस्मत है। खैर बहुत कुछ नहीं बचा है, मैंने इसे जल्दी किया। तुम क्या देख रहे हो? अब तुम शायद मेरे पॉपिट्स भी गमी है, ऐसा नहीं लगता, ये बहुत सख्त है। ये चॉकलेट है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कैंडीज के साथ मेरी पसंदीदा व्हाइट चॉकलेट एक अविश्वसनीय संयोजन है। काश मैं इसे खा पाती। तुमने सही समझा फीवी, मैं इसे शेयर नहीं करने जा रही हूँ। मिया तुम्हारे पूरे चेहरे पर रंग है। क्या खैर यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे जल्दी ठीक कर सकती हूँ। बस लगभग साफ हो गया। हाँ यह ठीक है, अब सिर्फ मैं बचा हूँ और यह बहुत अच्छी खबर है। मुझे जानना है कि मेरे पॉपिट्स किससे बने हैं, गमी या चॉकलेट, देखने से पता नहीं चल रहा है। यह असली पॉपिट्स है, बहुत बढ़िया, हम खेल सकते हैं। ओह यह कितना सुकून देने वाला है, यह निश्चित रूप से मुझे अभी चोट नहीं पहुँचाएगा। वाह चिप्स, यह अच्छी खबर है, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास केवल एक ही जार क्यों है? पता नहीं, मुझे लगता है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। क्या चल रहा है फीवी? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चिप्स सीधे तुम्हारी आँख में गिर गए, ये बहुत फनी है। मुझे इसमें कुछ भी फनी नहीं दिख रहा है, मुझे लगा कि जार खाली है। यह अच्छा है कि मुझे कम से कम थोड़ा नाश्ता मिला। खैर बस मैं खुश हूँ। यह जांचने का समय कि मेरे जार में क्या है, मुझे आशा है कि एक बड़ा हिस्सा है। मुझे देखने दो, यह नहीं हो सकता, इस जार का कोई तल नहीं है और इसमें चिप्स भी नहीं है। डैनी टेबल को देखो। ओ वे यहाँ है, मैं इसे कैसे मिस कर सकता था। मेरी राय में पूरे एक दर्जन है, यह निश्चित रूप से एक चिप से बेहतर है। हम तुम्हें बधाई देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने सीजनिंग को सूंघ लिया था, मैं छींकना चाहता हूँ। मैं खा सकता हूँ? यह फिर से शुरू हो रहा है, तुमने अपने सारे चिप्स उड़ा दिए। अरे नहीं मिया, मेरी गलतियों को मत दोहराओ, मेरा विश्वास करो, मुझे पता है कि खाना को कैसे संभालना है। वाह कितने चिप्स, वे कभी खत्म नहीं होंगे। इस डेर में पूरे 100 है, बहुत अच्छा। अगर मैं खाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल, मेरे खाने के पास मत आना, मैं तुम्हारी मदद के बिना अपने आप को इसे संभाल सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है, यह सब तुम में कैसे फिट हुआ? मैं यह आसानी से कर सकती हूँ। लगता है गले में अटक गया है, मियाँ को बचाने का समय आ गया है। एक सेकंड रुको, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डैनी, तुम एक सच्चे दोस्त हो। लेकिन इस कोक में क्या गलत है, यह अलग अलग दिशाओं में क्यों बह रहा है? कितना बुरा, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। मैं भी यह नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। कितने सारे किटकैट, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 10 टुकड़े भी खराब नहीं है, और फीवी के पास केवल एक ही है, लूजर। लेकिन मुझे यकीन है कि यह सबसे स्वादिष्ट है। ध्यान से, मुझ पर रैपर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। ओ
ओह, चॉकलेट की कितनी मोटी परत है, एकदम बढ़िया। और मुझे किटकैट के अंदर के वॉफर बहुत पसंद है। तुमने हम पर टुकड़े फेंके। माफ करना, ये गलती से हुआ, हम इसे याद रखेंगे किसी और समय। और अब मिया को उसकी चॉकलेट खाने की जरूरत है। मेरी राय में ये एक अच्छा विचार है। वाह, तुमने कितनी चतुराई से और जल्दी से रैपरों से छुटकारा पा लिया, बढ़िया है। हाँ, मुझे केवल चॉकलेट में दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि इसे कांटे और चाकू से नहीं काट सकते, मैं उनके बिना कर सकती हूँ। क्या स्वाद है, यह कुछ अविश्वसनीय है। मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये दुनिया की सबसे अच्छे बार है। तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ चले गए मिया, तुम अपने जैसे नहीं दिख रही हो। एक बार गिर गया, इसे जल्दी ले लो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। तुम बेकार का नहीं डर रहे हो डैनी, जो कोई मेरा खाना लेने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। डैनी, होश में आओ, तुम्हें अभी 100 चॉकलेट बार खाने होंगे। फिर भी सही कह रही है, शुरू हो जाओ। इसे सिर्फ ऐसे नहीं खा सकते, हमें एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्या ये बिल्डर का सूट है, यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, मैंने कुछ बढ़िया बनाने का फैसला किया है। तुमने ऐसी स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखी है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यह वास्तव में अविश्वसनीय लग रहा है, मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होगी। तैयार, यह आखिरी मीठी ईंट थी, मुझे उतरने के लिए भी मत कहो, यहाँ बहुत अच्छा है। अगर तुम उतरना नहीं चाहते तो ऐसा ही हो, यह हमारे लिए और भी अच्छा है। मुझे माफ करना डैनी, लेकिन तुम्हारा स्ट्रक्चर अब खत्म हो गया। अरे नहीं, यह तुमने क्या किया, मैंने बहुत कोशिश की थी और कोई चारा नहीं था, चॉकलेट की खातिर हमें यह कदम उठाना पड़ा। और हमें कुछ भी पछतावा नहीं है, ये इसके लायक था। इतना मीठा खाने का मौका और कब मिलेगा, इसे फेंका जा सकता है। मैं यहाँ हूँ, मुझे आशा है तुमने मुझे मिस नहीं किया। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है, ये अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया। तुम कितने मजाक किया हो। आखिरकार मेरे पास सबसे बड़ा हिस्सा है, एक बार में 100 टुकड़े। और तुम्हें कितना मिला? डैनी के पास केवल एक ही है, ये सिर्फ फनी है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी राय में इसमें कुछ भी फनी नहीं है। देखो, पैकेज में एक साथ कई च्युइंगम है, यह बहुत अच्छा है। मिया, माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा। खैर, चलो शुरू करते हैं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गम फैंस कैसे काम करते हैं। अच्छा यह होगा कि तुम कचरा हर तरफ ना फेंको। तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो डैनी, यह अजीब लग रहा है। लेकिन यह बहुत सुविधाजनक है, कुछ सेकंड और मैंने पहले ही सारी कैंडी अपने मुंह में डाल ली है। और अब देखो मैं कैसा बबल फुला सकता हूँ। वाह, तुम्हें सर्कस में काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि एक तारीफ है, यदि हाँ तो धन्यवाद मिया। वाह, यह बहुत अच्छा था, अब मिया की बारी है। वाह, तुमने एक ही बार में फिर से रैपर उतार दिए, बहुत बढ़िया। ऐसी तरकीबें मेरे लिए आसान है, और मैं वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने मुंह में गम भी चूस सकती हूँ। वाह, कितना बड़ा बबल है, मुझे लगता है इसे फोड़ने का समय आ गया है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ओह, मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। तुमने क्या किया डैनी, मैं कुछ नहीं देख सकती। शायद इसलिए कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम का प्लास्टर हो गया है, ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने अभी अभी अपनी भौहें उखाड़ दी हैं, कितना बुरा, उन्हें अभी वापस जगह पर रखना होगा। यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे परवाह नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरे लिए अपने जबड़ों के साथ काम करने का समय आ गया है। सावधान फीवी, तुम टेबल तोड़ सकती थी। मैंने अपनी ताकत को सही से नहीं पढ़ा, मैं गम से रबर निकालने की जल्दी में थी, मुझे माफ करना। क्या तुम्हारे पास रबर का मुंह है, इसमें इतना खाना कैसे फिट होता है। चलो, यह कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फीवी, तुम कहाँ जा रही हो। रुको, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। डैनी, कोई फायदा नहीं, उसका बबल बहुत बड़ा है। लेकिन हमें उसे बचाना होगा, एक रास्ता है, तुम्हें एक गुलेल शूट करने और बबल को फोड़ने की जरूरत है। खैर, यह कोई बुरा विचार नहीं है, मुझे लगता है मैं इसे कर सकता हूँ। ओह, तुम चुक गए, मुझे इसे आजमाने दो। क्या तुम्हें यकीन है, मेरा बबल फूट गया है। यह काम किया, लेकिन अब वो गिर रही है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओह, तुम फिर से असफल हो गए,
माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। बहुत धन्यवाद। अब मैं कम से कम उनसे छुटकारा तो पा सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है केक के साथ। चलो मैं शुरू करती हूँ। मुझे वास्तव में दिलचस्पी है कि किस तरह का स्वादिष्ट मेरे केक को पूरा करेगा। वाह, ये पहिया अंतहीन रूप से घूम सकता है, लेकिन मैं उसे रोक सकती हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। क्या बसा भी? लेकिन मैंने इतना सपना देखा कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मैया, पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे आशा है कि मैं कम से कम भाग्यशाली हूँ। वाह, लेकिन अगर एरो बीच में है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं गलत थी, मुझे दोनों मिल गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं केक को सजाने और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने में सक्षम होऊंगी। मुझे न्यूटेला पसंद है, लेकिन इसे केक पर समान रूप से कैसे फैलाया जाए? बिल्कुल। मदद के लिए मुझे निर्माण सहायक टूल्स की जरूरत होगी। स्पैचुला को मेरी मदद करनी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। काश मैं भी इस केक को आजमा पाती। और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे एक रोलर के साथ केक पर चॉकलेट को अच्छी तरह से स्मेयर करने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट पर जा सकती हूँ। यह चॉकलेट लेती हूँ। हमें रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है, फिर हम काम पर लगेंगे। वाह, डायमंड के साथ गलती ना करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले मेजरिंग टेप के साथ सब कुछ मापना महत्वपूर्ण है। सब आकार में पूरी तरह मेल खाता है। अब आखिरकार मैं केक पर चॉकलेट बार सजा सकती हूँ। तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे पास अभी भी वसाबी की पूरी ट्यूब है। हाँ, उनकी महक भी तीखी है, लेकिन मैं साबित करूँगी कि मैं बहादुर हूँ। मैं किसी तरह की वसाबी से नहीं डरती। अब मुझे इस वसाबी को केक पर फैलाना है। ऐसा करने के लिए मैं एक स्पैचुला का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मियाँ बुरा नहीं मानेगी। हाँ, यहाँ कुछ न्यूटेला भी बचा है। तैयार। बेशक स्पैचुला को धोने की कोई जरूरत नहीं है। इसे वापस मियाँ के पास देना बेहतर है, ताकि वो अपने अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट केक में कुछ तीखापन ला सके। अजीब बात है, चॉकलेट हरी क्यों है? वसाबी की तरह है। केट, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आँख में लग जाती तो? बस बातचीत बंद करो, यह खाने का समय है। ऐसा लगता है कि केट ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। मुझे शुभकामनाएं दो। तो क्या इसका स्वाद तुम्हें अच्छा लगा? मेरे लिए केक चखने का समय हो गया है। कुछ मुझे बताता है कि सिर्फ जादू ही होगा। मैं सही थी, मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। मैं बस नहीं रुक सकती, ये एक असली चॉकलेट बम है। ओह, चॉकलेट बम! मेरे पास केक नहीं है, लेकिन असली आग है। सुनो, खाती हूँ। आह, मैं सही थी, मेरा मुंह जलने वाला है। मदद करो, बचाओ! और चाहिए? ओह, किसी और का केक लेने के लिए सजा का पहिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह और खराब नहीं होगा? ओह नहीं, मुझे अंडे से नफरत है। तुम्हारे साथ सही हुआ, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी और से चोरी करने से क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें केक में अंडे डालने की जरूरत है। अगर तुम्हारे सर पर भी अंडा हो तो चलेगा। आह, कितना खराब, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। घिनौना!